क्या मुझे छोड़ दो, चोरी करके भागते में शर्म नहीं आती? मैं जामुनी चोरी नहीं की, मुझे बहुत तेज भूख लगी थी इसलिए मैंने चोरी की। भूख लगी थी तो चोरी करेगा? ताई, मुझे इतनी भूख लगी थी तो मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। मैं समझती हूँ कि तुझे बहुत भूख लगी थी इसीलिए तूने इनके पैसे चुराए, लेकिन भूख तो इंसान को हर रोज लगती है ना, तो तू क्या हर रोज चोरी करेगा? ऐसे तो तुझे दुनिया वाले चोर कहेंगे। तुझे अच्छा लगेगा कि वो लोग तुझे चोर कहें? तो ला दे। अच्छा हुआ बहन जी इसे पकड़ लिया, अब इसे हमारे हवाले कर दीजिए। देख तूने गलती करी है ना, तो इनसे माफी मांग और इनके पैसे भी लौटा दे। मुझे माफ कर दीजिए काका, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगा। अब चल हमारे साथ पुलिस स्टेशन। चल चल पुलिस स्टेशन। अरे भाई साहब, इसने माफी मांग ली ना, मैं मानती हूँ कि इससे गलती हुई है, लेकिन इसने आपके पैसे भी लौटा दिए और आपसे माफी भी मांग ली। अब इसे छोड़ दीजिए प्लीज। बहन जी अगर इसे अभी सजा नहीं मिली तो आगे चलकर ये बहुत बड़ा चोर बनेगा। चल मेरे साथ चल। हाँ अच्छा का, अब कोई हाथ नहीं लगाएगा इसको। माफी मांगे ना इन्हें, और ये भी कह रहे कि चोरी नहीं करेगा। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। अर्चना जी, I'm so sorry, वो मुझे आने में लेट हो गया। नहीं कोई बात नहीं गौरी। खुल क्यों नहीं रहा है? और डीके सर कैसे हैं आप? वो ठीक। बस अब आपका बीपी चेक कर लेते हैं। वेरी गुड, आपका बीपी तो एकदम नॉर्मल है और आपकी पल्स रेट भी नॉर्मल है। बस अब आपको सिर्फ अपना ध्यान रखने की जरूरत है और भाग दौड़ तो बिल्कुल भी नहीं। डॉक्टर अग्रवाल का फोन आया था, वो आपके केस के सिलसिले में मुझे कुछ बता रहे थे। He has given me very particular instructions and which we have to follow as it is. He has given me some particular instruction for exercise and diet plan which we have to follow as it is. जैसा आप कहें वाले। Are you serious? Like, मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा। आप वाकई में? मेरे को समझ नहीं आ रहा था कौन से कहें, ऐसा कहें तो हम तोरे को ही कह दी। आई 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 आई, जल्दी से करा। क्या हुआ? अरे आना आना, जल्दी जल्दी जल्दी, बैठ बैठ बैठ। सीरियस बात? हाँ अब बोलो ना दादा क्या कह रहे थे। क्या हुआ सोन? नहीं 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 आई, हम क्या कह रहे थे, हम तो कुछ नहीं कह रहे थे, हम तो बैठे थे बतिया रहे थे। क्या बात है सोहम, बताना, बोलो ना। अरे क्या हुआ है बोलो ना। तुम बता क्या हुआ है, तुम मुझे कुछ छुपा रहे? नहीं नहीं। तो क्या हुआ है बताना, ऐसे क्यों कर रहा है? आई हम हमरे को ना अंग्रेजी सीखी है। इसमें हंसने वाली क्या बात है तेजू? सोहम ये तो बहुत अच्छी बात है कि तू इंग्लिश सीखना चाहता है। तू सीखेगा, मुझे पता है तू सीखेगा बहुत अच्छे से। आई कितने दिन में सीख जाएंगे? थोड़ा टाइम लगेगा, ये तो तुझ पे डिपेंड करता है ना कि तू कितने जल्दी सीखता है ना। और अब तुझे तेजू इंग्लिश सिखाएगी, है ना तेजू? मैं क्यों मतलब उसकी बहन है ना, तुझे अच्छे से इंग्लिश बोलते आती है ना। सोहम आज से तेजू तुझे इंग्लिश सिखाएगी, अच्छे से सीखना मन लगा के, ठीक है? ठीक है। चल सिखा सिखा। काम बढ़ा दिया।
कहाँ से शुरू करूँ? अल्फाबेट से शुरू करते। क्या? ABCD। अच्छा, अभी अभी ए आजोबा, हम थोड़ा सा कुछ कहना चाहते हैं। क्या? विल यू कम फॉर मूवी विथ मी, ओनली यू एंड मी। क्या? सो मुझे एक बात बता कि जो तू ये बोल रहे थे उसका मतलब तो पता है ना? हाँ, उसका मतलब ये कि आप दिल से बहुत ही अच्छे और नेक इंसान है। अच्छा, तेजू, ये किसकी शरारत है? उसने तुझे गलत सिखाया। क्या अंग्रेजी सीखना पहले इतना मुश्किल है, उसके बाद तो मेरे को गलत सिखा रही है। सब कुछ मुश्किल नहीं है, इंग्लिश सीखना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत इजी होता है। तुझे पता है मुझे भी इंग्लिश नहीं आती थी, मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, लेकिन मैंने पढ़ाई की, मैंने इंग्लिश सीखी। मुझे इंग्लिश पता है किसने सिखाई थी? अर्जुन की जो आई थी ना आशना जी, उन्होंने। मैं बोलती हूँ, फिर तुम उसे रिपीट कर। वो रोज घर आती थी, मुझे इंग्लिश सिखाती थी, क्योंकि मैं मानव को दिखाना चाहती थी कि मैं भी इंग्लिश बोल सकती हूँ, मैं भी इंग्लिश पे बात कर सकती हूँ। अगर मानव नहीं होते तो शायद मैं कभी हौसला नहीं कर पाती, शायद मैं इंग्लिश कभी बोल ही नहीं पाती, लेकिन उनके लिए मैंने सीखा। इसीलिए कह रही हूँ कि इंग्लिश सीखना कोई मुश्किल नहीं, एक बार मन में ठान ली तो ठान ली। और वैसे भी किसी भी चीज़ को सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप कोई भी चीज़ कभी भी सीख सकते हो। इसीलिए अब तेजू अच्छे से उसे इंग्लिश सिखा, समझी? अब उसे बता कि जो तूने उसको इंग्लिश में सिखाया उसका मतलब क्या है। बता बता बता। इसका मतलब है कि क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगे अकेले, सिर्फ मैं और तुम? सोहम, अरे ये आगे लाइन बहुत काम आने वाली है। अर्जुन सर अपनी सारी फाइल्स अपनी राइट साइड के ड्रॉअर में रखते हैं, अगर आप चाहें तो। इट्स ओके, आई विल मैनेज। आप तो अर्जुन सर के साथ काफी काम कर चुकी हैं। सॉरी मैं भूल गई, लेकिन मैम इनकेस अगर आपको कोई भी चीज की जरूरत हो तो आप प्लीज मुझे बता दीजिए। ओके। हेलो, हाँ पूर्वी, कैसी है, काम कैसे चल रहा है? एकदम सही चल रहा है, बस थोड़ी देर में मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। अच्छा ये परी क्या कर रही है? वो ज्यादा रोई तो नहीं ना? और हाँ, तूने नहाने से पहले उसकी अच्छे से मालिश कर दी थी? हाँ हाँ हाँ, मैंने सब कुछ कर लिया है, मैंने तुझे भी बड़ा किया है ना पूर्वी, मुझे पता है कैसे बच्चे बड़े होते हैं। तू टेंशन मत ले, मैं हूँ ना परी का ख्याल रखने के लिए। आई सच कहूँ तो मैंने अर्जुन का थोड़ा टेंशन कम करने के लिए ऑफिस ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं इस भागदौड़ में परी को टाइम नहीं दे पाऊंगी। लेकिन तू उसका इतना अच्छे से ध्यान रख रही है, मुझे तो चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तू उसकी टेंशन मत ले, मैं उसको संभाल लूँगी। और हाँ, जब तक डी के सर अच्छे से ठीक नहीं हो जाते तो ऑफिस का ख्याल रखना, ठीक है? हाँ, डी के सर कैसे हैं? वो अच्छे हैं, उन्हें डिस्चार्ज मिल गया है, अभी अर्जुन उन्हें शायद घर ले जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। चल मैं भी रखती हूँ, मुझे मीटिंग का थोड़ा सा काम है, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, बाय। परी, मम्मा का फोन आया था। मेरा नंबर अभी तक डिलीट नहीं किया तुमने? मुझे तो लगा कि मुझे तुम्हें बताना होगा कि मैं कौन बोल रही हूँ। वो भी ये कैसी बातें कर रही हो तुम? और नहीं तो क्या अर्जुन, तुमने तो मुझे इतने जल्दी डिवोर्स पेपर साइन करके भेजे, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम इसी का वेट कर रहे थे।
वेट अ सेकंड, तुम यही चाहती थी? इनफैक्ट मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारी खुशी के लिए किया, करेक्ट? और आज तक वही करता आया हूं। नहीं अर्जुन, तुमने ये सारी चीजें मेरी खुशी के लिए नहीं की है, और ना तुमने मुझे वो सब दिया जो मुझे तुमसे चाहिए था। वो भी क्या, हम लोग इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं प्लीज? डॉक्टर ने कहा जो कुछ भी हुआ स्ट्रेस की वजह से हुआ। और उनकी स्ट्रेस की वजह सॉरी अर्जुन, प्लीज उनका ध्यान रखना। वो ठीक है, मैं बस उन्हें घर ही ले जाऊं। हाँ, काका ये रख लो। ओके डैड? या आई एम फाइनली होम। डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है, सो प्लीज डोंट वर्क इनफ। आई नो अर्जुन, हाँ लेट के मैं आराम ही तो कर रहा था इतने दिन। नो डैड, बट जस्ट आराम से बैठिए, जस्ट सिट डाउन। ओके डैड? या आई एम फाइन। आपको कुछ चाहिए मैं मंगवा दूं? हरी काका लिसन, व्हाट आई वांट इज तुम जाके आराम करो। डैड मुझे आराम की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट ये कुछ दवाइयां हैं जो अर्जुन, ये दवाइयां सुनो मेरी बात जी, डेविड ले आएगा। डैड उसकी क्या जरूरत है? सोए नहीं हो बेटे, प्लीज। डैड मुझे इसकी जरूरत नहीं, आई जस्ट वांट टू बी बाय। मैं हूं ना घर पे, तुम प्लीज जाके आराम करो। मैं तो आराम कर रहा हूँ। I'll just sit, make some phone calls. Dad, please. Just give this to David. आप ज़्यादा काम मत कीजिएगा, please. मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, just make some phone calls. Troy, okay? Yeah. Take care, Dad. Yeah. आशना, I'm sorry. आज मेरी वजह से तुम्हारे बेटे को तकलीफ हो रही है, लेकिन तुम फिक्र मत करना, मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूँ मेरे सिवा उसका कोई और है भी तो नहीं। Excuse me, पूर्वी मैम, आपने जो नए प्रोजेक्ट की फाइल मांगी थी ना, वो ही रही। इसके अंदर सारी डिटेल्स है। ओके, चेक करती हूँ। विशाल, इसमें टोटल प्रोजेक्ट वैल्यू और यूज मटेरियल की डिटेल्स नहीं है, तुम वो फिल करके दो ना, फिर मैं साइन करती हूँ। एक्चुअली मैम, बात यह है कि अर्जुन सर है ना, हमारे साथ इस प्रोजेक्ट में पहले दिन से ही थे, तो ये फाइल के ऊपर ना उन्हीं के सिग्नेचर लगेंगे, और फिर क्लाइंट भी चाहेंगे कि उन्हीं के सिग्नेचर हो। हाँ ठीक है, तुम डिटेल्स फिल करके दो, मैं फिर देखती हूँ क्या करना है। ओके ठीक है मैम। मैम हाँ, और एक बात, एक्चुअली कल शाम को है ना हमारी एक जरूरी मीटिंग है, और okay. उसकी सारी डिटेल्स है ना अर्जुन सर को पता है। तो सर ने वो डिटेल्स किसी सॉफ्ट कॉपी या किसी फाइल में सेव की होगी? नहीं मैम, मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं देखती हूँ क्या करना है। ओके मैम, ये फाइल आपके पास रखिए, आप चेक कर लीजिए। तो मुझे पहले डिटेल्स फिल करके दो। ओके मैम। अर्जुन तो इस वक्त डीके सर के साथ है, ऐसे में से बात कैसे करूं? लेकिन और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। कल की मीटिंग की सारी डिटेल्स अर्जुन के पास है। लगता है डीके सर के साथ बिजी है, एक काम करती हूँ, मैसेज कर देती हूँ। तुम? अब आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ। oh.
कैसे आना वो? वो एक्चुअली सर, मुझे इस फाइल पे अर्जुन के सिग्नेचर्स चाहिए थे। मैंने फोन किया था लेकिन उठाया नहीं, तो मैंने सोचा मैं घर आ जाती हूँ। आई एम सॉरी सर, मैंने आपको इस तरह यहाँ आके डिस्टर्ब किया। इट्स ऑल राइट, तुमने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। अर्जुन सो रहा है, मैंने उसे कहा था कि वो कुछ आराम करे, रात भर हॉस्पिटल में जाग रहा था। तो सर मैं काम करती हूँ, मैं फाइल यहाँ छोड़ जाती हूँ और अर्जुन को इस बारे में एक मैसेज ड्रॉप कर दूंगी। हाँ अर्जुन बता रहा था कि तुमने ऑफिस का काम संभाल रखा है। थैंक यू सर। वो एक्चुअली आपकी ऐसी हालत में आई थिंक अर्जुन को आपके साथ होना चाहिए, और ऑफिस के सारे फंक्शंस ऑलमोस्ट मुझे पता है, तो मैंने सोचा कि कुछ दिनों के लिए मैं ऑफिस संभाल लेती हूँ। मैं देती हूँ, एक सेकेंड सर। आप ये प्लेन सूप पी रहे हैं, ऐसे में तो आपको हेल्दी वेजिटेबल सूप पीना चाहिए। वो भी जब आदमी बीमार होता है तो दवाई की वजह से किसी भी चीज का टेस्ट सेम ही लगता है। सर मैं काम करती हूँ, आपके लिए दूसरा सूप बना के लाती हूँ, हेल्दी वेजिटेबल सूप। हाँ नो नो इट्स ऑलराइट सर, इट्स ओके, 5 मिनट में बन जाएगा। सर प्लीज। अब मैडम ये बाउल आप क्यों लेके आ गई? मैं ले आता। कोई बात नहीं। और ये क्या, साहब को सूप पसंद नहीं आया क्या? नहीं एक्चुअली मैं उनके लिए दूसरा सूप बना रही हूँ। मैडम आप क्यों तकलीफ ले रही हैं, मैं बना देता हूँ। अरे कोई बात नहीं काका, आप बस एक काम कीजिए, आप देखिए कि मैं कैसे बना रही हूँ और अगली बार से सर को ऐसे ही सूप बना के पिलाएगा। जी अच्छा। कैसी? अच्छी थी आई। सुबह हॉस्पिटल, बाद में ऑफिस, बाद में मीटिंग। मेरा बच्चा बहुत थक गया होगा ना? अच्छा हुआ तू जल्दी घर आया, अभी थोड़ी देर आराम। ठीक है सर, कैसे हैं? अब ठीक है, उन्हें डिस्चार्ज मिलने के बाद मैंने अर्जुन से बात की। क्या बात है अर्चना, सब ठीक है ना? हाँ हाँ मैडम मैं ठीक। मुझे चाय मिलेगी? और चाय है ना? हाँ है, मैं लेकर आई मैडम। अरे ले ना बेटा, वो देगी। तू गया ना? सच्चू मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। क्या बात है आई? सच्चू मैं सोच रही थी कि वो मैं ऑनर के खिलाफ केस फाइल करना चाहती हूँ। कैसा केस? धोखाधड़ी का केस। उसने पूर्वी को धोखा दिया है, उसकी पहले से शादी हो चुकी थी और उसके बाद भी उसने पूर्वी को ये नहीं बताया, ये धोखा ही हुआ। मैं चाहती हूँ कि उसे उसकी गलती की सजा मिले। मैं पूर्वी को न्याय दिलाना चाहती हूँ। सचिन प्लीज मेरी मदद कर। अर्जुन तू कैसी बातें करती है? परी की सच्चाई, वो भी का डाइवोर्स और ये केस, लोगों में बदनामी हो जाएगी हमारी। भाई बदनामी के डर से मैं पूर्वी के साथ कुछ गलत नहीं होने दे सकती ना। अर्जुन एक बात सुन, कोई भी कदम उठाने के पहले 10 बार सोचना चाहिए। भाई इसमें सोचना क्या है? ऑनर जैसा बेशरम इंसान वहाँ आकर मुझसे ये कह रहा है कि हाँ मेरी पहली शादी हो चुकी है, मैं उसे किसी भी हाल में सजा दिलाना चाहती हूँ। उसे बताना चाहती हूँ कि उसने जो पूर्वी के साथ किया वो गलत किया। मैं पूर्वी को बस न्याय दिलाना चाहती हूँ मानव, और कुछ नहीं। अर्चना बिल्कुल सही कह रही है, ऑनियर ने पूर्वी के साथ जो कुछ भी किया है उसके बाद वो सजा जरूर भुगतेगा। सचिन केस के पेपर्स तैयार कर, मैं अपनी बेटी को हर हालत में न्याय दिलाऊंगा। क्या हाल है ऑनियर? हाय ऑनियर। ऑनियर तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे घर के बाहर इतने टेस्टी भजिया मिलते हैं? हाँ तुमने बताया नहीं, क्यों नहीं बताया? देखो मैं गर्मा गर्म भजिया हम सबके लिए लेके आई हूँ। अब हम बैठ के सब भजिया खाने वाले हैं। अरे तुम खड़े क्यों हो, यहाँ आकर बैठो। बैठो ना। और हमें पता था तुम तो हमारे साथ घूमने आओगे नहीं, तो हमने सोचा हम ही तुम्हारे घर भजिया लेकर आ जाते हैं। क्यों? पता है अरे यहाँ पर ढेर भी मिलते हैं, तो मैंने ढेर का भी ऑर्डर दे दिया है। बस थोड़ी देर में वो ढेर लेके भी आता ही होगा। अरे खाओ बाबा, इतने फॉर्मल होने की क्या जरूरत है, खाओ खाओ भजिया खाओ, ठंडे हो जाएंगे वरना।
लो आ गया। मैं देखता हूँ। मिस्टर ऑनर। हाँ मैं हूँ। पार्सल आपके लिए, साइन कीजिए। थैंक यू। नोटिस है, लीगल नोटिस। पूर्वी ने भेजा है मेरे अगेंस्ट, धोखाधड़ी का केस। डैड, हाउ यू फीलिंग डैड? आह मानव, अर्चना कैसे हो तुम लोग? हम लोग ठीक हैं सर, आप कैसे हैं? बस ठीक हूँ। आइए ना सर। हाँ बहुत अच्छा हुआ आप दोनों आ गए। हाँ देखिए सर, क्या हालचाल पूछने आए थे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब पूर्वी जैसे ध्यान रखने वाले हों तो डॉक्टर्स की क्या जरूरत है। सर आपकी दवाइयों का भी टाइम हो रहा है, मैं अर्जुन को एक बार बता देती हूँ। अर्जुन तुम नर्स को भी बता देना, ठीक है? मानव, ऑफिस की क्या हालचाल है? वो मेहता वाली डील फाइनलाइज हुई क्या? आई एम सॉरी सर, डील वील के बारे में मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। आपको आराम करने की जरूरत है और आप आराम कीजिए। ऑफिस का काम हम सब पे छोड़ दीजिए। इतना आराम करने की आदत नहीं है मुझे। आई मैं निकलती हूँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हाँ श्योर। अर्जुन डेविड से कहना कि इनको ऑफिस छोड़ दे। नहीं सर, मैं मैनेज कर लूंगी, ऑटो ले लेती हूँ। नहीं बेटे, बारिश का वक्त है, इस वक्त ऑटो रिक्शा टैक्सीज आसानी से नहीं मिलेंगे। तुम डेविड के साथ जाओ, जल्दी ऑफिस पहुंचोगी तो शायद प्रेजेंटेशन भी जल्दी प्रिपेयर कर पाओगी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। थैंक यू। मैं छोड़ के आता हूँ बाहर तक। पूर्वी ने सब कुछ कितना अच्छे से हैंडल कर लिया ना। हाँ वो तो अच्छा हुआ कि पूर्वी को ऑफिस के वर्क का एक्सपीरियंस, और वही एक्सपीरियंस आज उसके काम आएगा। हाँ मानव मानव, लेकिन पूर्वी ने ऑफिस के साथ साथ डीके सर को भी बहुत अच्छे संभाल लिया। आपने देखा जब वो डीके सर के पाँव छू रही थी, डीके सर ने कितने प्यार से उसके सर पे हाथ रख के बिल्कुल बेटी की तरह अपना। मानव मैं जानती हूँ आप ओवी की वजह से बहुत परेशान हैं, मुझे पूर्वी को लेकर ऐसी बात करनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन आज मैंने जो देखा, अगर आप भी वो शायद मेरी नजरों से देख पाते तब आपको पता चलता कि पूर्वी कैसे धीरे धीरे उस परिवार का हिस्सा बनती जा रही है। अर्जुन और डीके सर को उसकी जरूरत है। अर्चना तुम जो सोच रही हो मैं भी वही सोच रहा हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम अपने दिल की बात मुझे पता क्यों नहीं पा रही हो। हेलो अर्जुन। हाँ पूर्वी, मैंने देखा तुमने मुझे कॉल किया था, मैंने वापस फोन किया तो तुमने फोन नहीं उठाया। इज एवरीथिंग ओके? अर्जुन देखो तुम जल्द से जल्द ओवी को एक फोन कर लो प्लीज। ओवी को क्यों, क्यों क्या हुआ? अर्जुन वो ऑफिस लैंडलाइन पे ओवी का फोन आया था, मैंने रिसीव किया तो किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन बाद में मैंने नंबर चेक किया तो वो ओवी का नंबर निकला। अर्जुन मेरी आवाज सुन के वो बहुत नाराज हो गई होगी, तुम प्लीज एक बार उसे फोन कर लो और पूछ लो कि क्या बात है। आई एम श्योर उसको कुछ काम होगा इसीलिए तो मैं फोन किया होगा उसने। ओके रिलैक्स रिलैक्स। पहले मुझे ये बताओ कि प्रेजेंटेशन खत्म हुई? हाँ। तुम एक काम करो, तुम अब घर जाओ बिकॉज काफी देर होगी, परी भी तुम्हें काफी मिस कर रही होगी। हाँ मैं बस जा रही हूँ, तुम प्लीज एक बार उसे फोन कर लेना। मैं करता हूँ पूरी, डोंट वरी मैं करता हूँ। ओके तुम घर जाओ। बाय। I'm sorry शालिनी, घर पे कुछ मीठा है नहीं तो फिलहाल शक्कर से काम चलाना पड़ेगा। चलेगा। ये लो। थैंक यू। देखो मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें MNC में ट्राई करना चाहिए, तो देखो तुमने ट्राई किया और तुम्हें मिल गया। Yes. मुझे सबसे
पहले किन शुद्धि कंफर्म करना चाहिए। ऑनर एक ग्लास पानी पिला दो प्लीज। या श्योर। ग्लासेस का रखे हुए हैं मिस्टी, ग्लासेस का। Sorry for that. तुम्हें पूर्वी की आदत लग गई है ना? नहीं। और इस घर में तो बार बार उसकी याद आती होगी। नहीं। ऑनर, मैं और दीद जो कुछ भी कर रहे हैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहे हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम पूर्वी से दूर नहीं रह पाओगे तो हम अभी के अभी ये ड्रामा बंद कर देंगे। नहीं चल, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। हाँ मैं जानता हूँ मैं पूर्वी से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरा मकसद अभी तक पूरा नहीं हुआ। पूर्वी मुझसे नाराज है और उसका इस तरीके से नाराज रहना वो ये डिजर्व नहीं करती। उसकी जिंदगी में मेरी जगह अर्जुन का होना ज्यादा जरूरी है, और जब तक ये नहीं होता मेरा प्यार साबित नहीं होगा। होगा, बहुत जल्द होगा। आओ अनिल, देखो मेरा घर। Wow, nice flat, Kinshu. Not a bad deal. जानते हो नहीं, दरअसल इस घर के लिए मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए। मुझे क्यों? वो इसलिए कि तुम अगर मुझे मुंबई नहीं बुलाते तो मुझे इतने ज्यादा शोज नहीं मिलते। जानते हो मुझे बॉम्बे में कितने ऑफर मिल रहे हैं? इतने ऑफर मिल रहे कि मैंने ये घर रेंट पे ले लिया। लेकिन तुम्हें मुझे क्रेडिट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारा क्रेडिट तुम्हें जाता है। तुमने जो इतनी मेहनत की, तुम्हारे में इतना टैलेंट है, सब तुम्हारी वजह से। हाँ रही बात, जितनी मदद मैं तुम्हारी कर सकता हूँ उतनी मदद तो हमेशा करता रहूंगा। क्या हुआ किंचू? एक बात बताओ ग्यारे। क्या? तुम्हें कैसे मैनेज करते हो? क्या मैनेज करते हो? आई मीन कि तुम इतने ज्यादा दुखी हो और अपने दुख छुपा रहे हो मेरे सामने, और अब भी ये कह रहे हो कि मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ। किंचू प्लीज, Not again. Anil, please, बोलने दो मुझे। जानते हो मुझे कितना गिल्ट फील होता है? मैं मुंबई तुम्हारे लिए आई थी, तुम्हारी मदद करने के लिए, लेकिन यहाँ आकर तो सब कुछ उल्टा ही हो गया। मैं अपने शोज और प्लेज में इतनी बिजी हो गई कि मैं तुम्हारी मदद ही नहीं कर पा रही, उल्टा तुम ही मेरी मदद करते हो। मुझे जो चाहिए था वो तो मुझे मिल गया। आई मीन शोज और प्लेज तो मुझे काफी मिल रहे हैं, लेकिन तुम्हारा क्या Anil? तो अकेले हो गए, पूर्वी भी नहीं है अब तुम्हारे साथ, और मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकती Anil। माय डियर फ्रेंड रिलैक्स, और सबसे पहले अपने दिमाग में से एक गिल्ट की फीलिंग को बाहर निकालो, क्योंकि मैं जैसा चाहता था मेरे साथ वैसा ही हो रहा है किंचू। और वैसे भी इस चीज को मैंने अपने दिमाग में पहले से प्लान कर रखा था, मैं प्रिपेयर्ड हूँ उस चीज को लेकर, तो आई एम ओके। तो एक काम करते हैं Anil, क्यों ना तुम्हारे लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढी जाए, और वो लड़की ढूंढने का काम मैं करती हूँ। तुम नहीं ढूंढ पाओगे किंचुक। बात तो तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, मैं चाह के भी पूर्वी जैसी अच्छी लड़की तुम्हारे लिए कभी नहीं ढूंढ सकती। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।